हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं गोदरेज इंडस्ट्री स्टॉक के बारे में और इस स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी शुरू करते हैं, स्टॉक का रेजिस्टेंस देखते हैं जहाँ से स्टॉक ने नीचे की तरफ गिरावट दिखाई है। तो स्टॉक का रेजिस्टेंस है लगभग 515 रुपये के आसपास, बल्कि थोड़ा अगर मैं ऊपर खिसका दूं तो लेवल निकल के आ जाता 516 का। वहां से स्टॉक में थोड़ा सा ऊपर गया लेकिन ब्रेकआउट नहीं किया, उसके बाद स्टॉक नीचे आया है। ठीक है, आगे अगर नीचे सपोर्ट की बात करें तो एक सपोर्ट था 488 रुपये पर, उसको अभी स्टॉक ने ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब नीचे की बात करें तो नीचे एक सपोर्ट है, वो है लगभग 453 पर। तो अभी आपको इस स्टॉक में क्या करना चाहिए फ्रेंड्स, स्टॉक से थोड़ा सा दूर रहें तो बेटर है, क्योंकि स्टॉक में जो ब्रेक डाउन हुआ है तो स्टॉक नीचे जाने वाला है। ये देखिए आपको सेंटीमेंट क्या मिला, एम पैटर्न बनाया स्टॉक ने। एक मिनट, यहाँ से पैटर्न बना एम। अगर हम इसकी बात करें तो इसके नेकलाइन भी ब्रेक हो गई है। ठीक है, नेकलाइन ब्रेक हो गई, स्टॉक नीचे। वहीं अगर आपको और एक पॉजिटिव एक और कंडीशन दिखाऊं तो आपको दिखाएगा डबल टॉप, आरएसआई पर भी एम पैटर्न बना, यानी कि आरएसआई पर भी एम पैटर्न बना तो स्टॉक नीचे जाना था। और क्या स्थिति है आप में, इसमें आरएसआई के डाइवर्जेंस भी आपको देखने को मिले हैं। डाइवर्जेंस कैसे आप देख रहे हैं, प्राइस जो प्राइस में टॉप बना है वो एक यहाँ पे है और यहाँ पे है, डबल टॉप ऊपर की साइड में बना है। ठीक है, वही आरएसआई में जो बना है वो नीचे की साइड बना है, आप देख पा रहे हैं नीचे की साइड। ठीक है, यानी कि डाइवर्जेंस आरएसआई में देखने को आपको मिले हैं। तो आपको जिसने एंट्री शायद गलत ले ली हो या पहले एंट्री ली हो उसको देख लेना चाहिए था, समझ लेना चाहिए था उससे पहले, एंट्री लेने से पहले। तो स्टॉक में गिरावट के सेंटिमेंट देखने को मिले हैं, निगेटिव सेंटिमेंट है, तो इस स्टॉक से दूर रहने की सलाह होगी। बाकी आपका अपना एनालिसिस है, आपका एनालिसिस क्या कहता है उसके हिसाब से भी आप इसमें स्टॉक को उस नजरिए से देख सकते हैं। सपोर्ट स्टॉक का 453 पर है, तो स्टॉक 453 पर आने की पूरी संभावना है, और वहां से रिकवरी होती है तो ठीक है, नहीं तो उम्मीद ये है कि स्टॉक नीचे आने वाला है। गिरावट स्टॉक में अच्छी खासी, यानी कि 400 तक स्टॉक नीचे आता हुआ आपको दिख सकता है। तो स्टॉक पर नजर बना करके रखें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, राम राम।